जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओप्पो मोबाइल के बारे में। जी हां दोस्तों, अगर आप भी ओप्पो मोबाइल यूज़र हैं तो ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों ओप्पो मोबाइल यूज़र के लिए मैं एक मोस्ट सीक्रेट सेटिंग बताने वाला हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और सुपर किस्म की सेटिंग है। ये सेटिंग जानकर आप ज़रूर कहेंगे कि यार, आपने ये सेटिंग हमें पहले क्यों नहीं बताई। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी ओप्पो यूज़र हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही कमाल की और हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इस मोस्ट सीक्रेट सेटिंग को के बारे में, जो ओप्पो मोबाइल के तमाम मोबाइल पर वर्क करती है, चाहे जो भी मॉडल हो, चाहे आपके पास ओप्पो मोबाइल का F3 हो, F5 हो, F1S हो, A37 हो, A57 हो, A71, A83, जो भी मॉडल है ओप्पो का, F9, तमाम के अंदर दोस्तों ये सेटिंग पाई जाती है। आपका कोई भी मॉडल है ओप्पो का और आप जो इस सेटिंग को एंजॉय करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ वो कौन सी ओप्पो मोबाइल की अमेजिंग किस्म की सेटिंग है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को कम्प्लीट देख लेना है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और फ्यूचर में भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और ओप्पो मोबाइल से रिलेटेड कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो इस सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आगे आपके सामने एक बेल वाला आइकन शो होगा, आपने उसको भी ज़रूर प्रेस कर देना है और आल पे क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों, अब जो है मैं आपको बता देता हूँ आपने दोस्तों क्या करना है। आपने आ जाने अपने मोबाइल की सेटिंग में। जी हाँ दोस्तों, इस सेटिंग वाले ऑप्शन में आ जाने, आपके पास जो भी मोबाइल है, इसमें आने के बाद आपने एक ऑप्शन ढूंढ लेना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ सिक्योरिटी का। जी हाँ दोस्तों, सिक्योरिटी का ऑप्शन आपने ढूंढ लेना है। सिक्योरिटी के ऑप्शन में आने के बाद इधर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोटेक्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, ये आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस सेटिंग में दोस्तों, आपको आपका मोबाइल जो है वो तमाम किस्म का डेटा निकाल के दे देगा कि कौन सी एप्लीकेशन आपकी कौन कौन सी चीज़ों को, कौन से पर्सनल डेटे को आपके लीक कर रही है। तो चलिए दोस्तों, इधर आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं प्रोटेक्टेड प्रोटेक्ट कॉन्टैक्ट्स। तो देख सकते हैं ये दो एप्लीकेशन इसमें आपको बता रहा है कि दो एप्लीकेशन जो हैं वो आपकी कॉन्टैक्ट्स को परमिशन को अलाउ कर रही हैं, यानी वो आपके कॉन्टैक्ट की परमिशन ले रही हैं। अगर आप इनको ब्लॉक करना चाहें तो इधर से ब्लॉक कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोटेक्ट कॉन्टैक्ट्स वाले ऑप्शन पर। तो जैसे यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर हमें दिखा देगा, ये देख सकते हैं, जैसे ये देख सकते हैं फेसबुक अटैम्प्ट टू रीड कॉन्टैक्ट्स 2 times, और इधर आपको कह रहा है व्हाट्सएप। तो फेसबुक और व्हाट्सएप हमारे लिए कोई भी मसला नहीं है। अगर कोई भी इलीगल ऐसी एप्लीकेशन हो जो आपके कॉन्टैक्ट्स की परमिशन चुरा रही हो, तो आप इधर पर्सनल डेटा में आके देख सकते हैं कि आपके कॉन्टैक्ट्स की जो सिक्योरिटी है वो कौन ले रहा है, कौन सी एप्लीकेशन आपके कॉन्टैक्ट्स को रीड करने की अटैम्प्ट कर रही है। इसके बाद दोस्तों नीचे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 app अटैम्प्ट टू रीड। तो मैसेज जो है एक ऐप अटैम्प्ट कर रही है रीड करने के लिए। तो इस तरह से दोस्तों आप ओप्पो मोबाइल की सेटिंग में, इस सेटिंग में आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन जो है आपके कौन से पर्सनल डेटे को लीक कर रही है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और ये दोस्तों सेटिंग आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इधर आपके पास अगर ऑफ हो तो आपने इसको ऑन लाजमी कर देना है। तो ये थी दोस्तों ओप्पो मोबाइल की एक छोटी सी सेटिंग। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी वीडियो। पसंद आई तो लाइक कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।